राजा माइडस। ये कहानी है राजा माइडस की। कई सदियों पहले एक खूबसूरत राज्य था। इस राज्य को चलाने वाले राजा का नाम था माइडस। कहा जाता है कि उसके पास इतना सोना था कि वो एक पूरा शहर खरीद सकता था। वो अपने सोने के खजाने को दिलो जान से चाहता था, पर कभी भी किसी को वो सोने का खजाना नजर नहीं आया। पूरा राज्य अक्सर यही सोचता था कि आखिर सोना कहाँ छिपा के रखा होगा। क्या तुम्हें पता है कि हमारे राजा ढेर सारा सोना कहाँ रखते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता, समझ में नहीं आता है कि इतना सारा सोना वो रखते कहाँ पर है। सच बात ये है कि राजा माइडस अपना सारा सोना एक तहखाने में बंद करके रखता है। वो हर रोज वहाँ जाकर अपने ढेरों सोने की ईंटें और सिक्के गिनता था। रानी अक्सर हैरान रहती और उसका मजाक उड़ाती। महाराज, आप ऐसे हर रोज सोना मत गिनिए, वरना एक दिन अचानक गायब हो जाएगा। भूल कर भी ऐसा मजाक मत करना। तुम्हें पता है ना कि ये सोना कितना बेशकीमती है? तुमने जो गले में सोने का नेकलेस पहना है ना, वो कितना खूबसूरत है ना? देखो ये कितना चमक रहा है। हाँ, खूबसूरत तो है और बेशकीमती भी है, लेकिन इससे सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। पर मेरे लिए सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं, ये तुम नहीं समझ पाओगी। दुनिया में तो इससे ज्यादा खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं है। रानी इस बात से सहमत नहीं थी, पर वो जानती थी कि अपने पति से बहस करना बिल्कुल बेकार है। राजा का सोने से मोह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने सोने से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी प्यारी बेटी का नाम सोनपरी रखा। सोनपरी अपने पिता की लाडली थी। वो हमेशा खुश रहती थी और हर छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखती थी। वो अक्सर अपने पिता को आवाज देती और कहती, पिताजी देखिए ये फूल कितना खूबसूरत है, आज का दिन कितना सुहाना है, उसकी बूंद घास पर मोती जैसे चमक रही है। हाँ, लेकिन सोने जैसी चमक नहीं है इसमें, तुम नहीं समझ पाओगी बिटिया रानी, जाओ तुम जाकर खेलो। अपनी माँ की तरह सोनपरी भी समझ नहीं पा रही थी कि सोना फूल से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। समय बीतता गया और राजा माइडस ज्यादा से ज्यादा समय तहखाने में अकेले बिताने लगा। वो बार बार सोने की गिनती करता रहता। कुछ दिनों बाद शाही रक्षक एक अनजान आदमी को राजमहल में राजा से मिलाने ले आए। उस आदमी ने बहुत ही सादे कपड़े पहने थे और राजा ने देखा कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। कौन है ये आदमी? महाराजा, ये आदमी रास्ते में ऐसे ही घूम रहा था, ये रास्ता भटक गया है और इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। ये जरूर किसी दूर देश से आया है, ये भटक गया है, इसके रहने का इंतजाम करो, जब तक इसका सही ठिकाना मिल नहीं जाता, ये हमारा मेहमान है। कई दिन बीत जाने के बाद राजा को पता चला कि वो आदमी सिलेनस है, पर राजा को ये नहीं पता था कि सिलेनस वन देवता का प्रिय मित्र था। सिलेनस के रहने का इंतजाम किया गया, उसे एक शाही सम्मान दिया गया और हर इच्छा पूरी कर दी गई। कुछ दिन बाद सिलेनस के घर का पता मिल गया। अब उसके जाने का समय हो गया था। उस दिन रात को राजा तहखाने में बैठकर सोने की गिनती कर रहा था, तभी अचानक, ये क्या? आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? मैं वन का देवता हूँ राजा माइडस। आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? क्या आप मेरा सोना चुराने आए हैं? मैं वाला सोने का क्या करूँगा, ये मेरे किस काम का? मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद और मुझे, पर क्यों? सिलेनस मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मुझे पता है कि तुमने उसकी बहुत देखभाल की है, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ। यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं पूरी कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माइडस को यकीन नहीं हो रहा था, वो जो चाहे मांग सकता था।
वो ये भी जानता था कि उसे क्या चाहिए। मैं एक सोने से भरा जहाज चाहता हूँ, नहीं एक सोने से भरा घर, नहीं ये भी कम पड़ेगा। रुको, मैं जानता हूँ कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं चाहे जिसको भी छूं, वो शुद्ध सोने का ही बन जाए। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। जैसे ही कल सूर्य उदय होगा, तुम जिसे भी छुओगे वो शुद्ध सोने का बन जाएगा। पर याद रहे महाराज, इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। सोने से तुम खुशियां खरीद नहीं सकते। इसके जैसा आदमी भला सोने की कीमत क्या जानता होगा। अब मैं इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा धनवान और खुशहाल व्यक्ति बन जाऊंगा। माइडस उस रात बिल्कुल भी सो नहीं पाया। वो सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और सूर्य का उदय हुआ। माइडस ये देखना चाहता था कि उसके छूने से वस्तु सोना बनती है या नहीं। ऐसे सोने से बने पलंग पर सोने का आनंद ही कुछ और है। ऐसी खुशनसीबी शायद ही किसी को मिली हो। माइडस फिर हर वस्तु को छूता जो उसे नजर आती। अब मुझे अपने सोने को छुपाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाता हूँ और पूरे राजमहल को सोने से चमकाता हूँ। माइडस हर वस्तु जो सामने आती उसे छूता गया। वो बाग में गया और सारे पेड़ और पौधों को छूकर उन्हें सोने में बदलने लगा। मैं तो हर तरफ चल चल के बहुत थक गया हूँ। मुझे अब भी पूरे राज्य को सोने जैसा बनाना बाकी है। मुझे अभी अपने पूरे राज्य को मेरी ये अद्भुत सोने की शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। पर अब मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। मेज पर फल, मछली, मांस और कई प्रकार का स्वादिष्ट खाना राजा के लिए रखा हुआ था। वाह, क्या बढ़िया खाना है, ये तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। ये क्या? नहीं, ये पानी को क्या हुआ? मुझे बहुत प्यास लगी है। ओह, ये सब क्या हो रहा है? माइडस अब सच में घबरा गया था। वो हर वस्तु को धीरे से छूने लगा। ये देखकर उसके होश उड़ गए थे क्योंकि हर वस्तु सख्त सोने में बदल रही थी। अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। मैं सोना खा या पी नहीं सकता। क्या इस पृथ्वी का धनवान राजा भूख प्यास से मर जाएगा? राजा अब बहुत उदास हो गया था। वो सोने के खाने को देख रहा था जो वो खा नहीं सकता था। तभी उसकी बेटी दौड़कर राजमहल में आ गई। पिताजी! और राजा माइडस कुछ सोच पाता उससे पहले ही, नहीं मेरी प्यारी बेटी। सोनपरी अब एक चमकते दमकते हुए सोने की मूर्ति बन गई थी। खूबसूरत पर बिना जान की। उसकी सांसें रुक गई थी, वो हिल नहीं पा रही थी। राजा माइडस दुख के मारे टूट गया था। उसकी प्यारी बेटी अब उसके साथ नहीं थी। ओ नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? मेरी प्यारी बेटी, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? सोनपरी, मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी बेटी, कुछ तो बोलो बेटी। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। वो तहखाने की तरफ दौड़ा और मदद के लिए रोने लगा। ओ राजा माइडस, कहो क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। क्या तुम्हें और भी कोई वरदान चाहिए? वन देवता, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस वरदान का क्या करूँगा जिससे मेरी बेटी मुझसे छीन गई? सोने का खाना मेरे किस काम का जो मैं खा नहीं सकता? सोने का पानी का मैं क्या करूँगा जिसे मैं पी नहीं सकता? मेरी असली खुशी तो मेरी बेटी है, पर अब वो मुझसे बात नहीं कर सकती। ये सारा सोना लेकर अब मैं क्या करूँ अगर मैं उसकी मुस्कान नहीं देख सकता? हे वन देवता, मेरा सारा सोना वापस ले लो, चाहे सब कुछ वापस ले लो, पर मेरी प्यारी बेटी मुझे वापस दे दो। अब मैं समझ चुका हूँ
कि सोने से हर खुशियाँ नहीं खरीद सकते। ओ राजा मार्दश, आज तुमने जीवन का एक कीमती सबक सीखा है। सोना तो नष्ट हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनों का रिश्ता और उनका प्यार, जो कभी कम नहीं होता और नष्ट नहीं होता। अब ये लो जादुई पानी से भरी हुई शीशी। हर वस्तु जो सोने की बन गई है उस पर इसकी कुछ बूंदे छिड़को। ये पानी उनको फिर से पहले जैसा बना देगा। धन्यवाद, धन्यवाद वन देवता। राजा दौड़कर अपनी बेटी के पास गया और उस पर जादुई पानी के कुछ बूंदे छिड़क दिए। सोनपरी में फिर से जान आ गई। राजा ने अपनी प्यारी बिटिया को गले से लगाया। पिताजी, यहाँ क्या हुआ था? कुछ नहीं मेरी बेटी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा माइडस ने हर वस्तु जो सोना बन गई थी उस पर वो पानी छिड़का। सोने की चमक देखकर इतना थक गया था कि अब वो और सोना देखना नहीं चाहता था। राजा फिर अपनी बेटी के साथ बाग में गया और उसने पेड़, पौधे और फूल पर पानी छिड़का। जीवन में पहली बार उसने प्रकृति की खूबसूरती देखी। मेरी प्यारी बेटी सोनपरी, ये देखो कितना खूबसूरत फूल है। आज का दिन सुहाना है ना बेटी? देखो ओस की बूंदे घास पर कैसे चमक रही है। हाँ पिताजी। जब सब कुछ पहले जैसा हो गया तो राजा माइडस अपनी बेटी और रानी के साथ नाश्ता करने बैठा और हर एक खाने की चीज जी भर के खाने लगा। उसे खाने का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था। वो पानी पे पानी पिए जा रहा था मानो बहुत प्यासा हो, और उसकी बेटी और उसकी पत्नी उसे हैरानी से देखती जा रही थी। राजा माइडस ने फिर कभी भी तहखाने में जाके सोना नहीं गिना। वो अपना समय अपने परिवार के साथ बिताता। वो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता और अब वो खुद को पृथ्वी का सबसे धनवान और खुशनसीब आदमी मानता था।